अपनी मैरिज को हर कोई यादगार बनाना चाहता है। जहाँ शादियों में रीति रिवाज अधिक मायने रखती है, वहीं वेडिंग की लोकेशन भी खास ख्याल रखा जाता है। इन दिनों शादियों का चलन जोरों शोरों पर है। अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी जगह पसंद करते हैं, ताकि लोग आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग को सालों साल याद रख सके। आज लोग अपने गांव और घर को छोड़कर दूसरे शहरों में एक खास लोकेशन पर वेडिंग प्लान करते हैं। अगर आप भी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं तो हम आपको कुछ बेस्ट जगहों के बारे में बताएं, जहां पर आप अपनी वेडिंग रख सकते हैं और इस पल को यादगार बना सकते हैं। अगर आपका बजट कम है और डेस्टिनेशन वेडिंग रखना चाहते हैं तो हम आपको कुछ जगहों के बारे में बताएंगे जो आपके बजट में होंगी, पर आप आसानी से वहां अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर सकते हैं। सीमित बजट में ही डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं ये प्लेसेस। मध्य प्रदेश में बसे मांडू के धार जिले में कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जहां आप डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर सकते हैं। यहां कई ऐतिहासिक जगह हैं, यहां कई शानदार किले और पहाड़ मौजूद हैं। इनके बैकड्रॉप में आप शानदार शादी रख सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आप प्रकृति से ज्यादा इम्प्रेस रहते हैं तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे बढ़िया लोकेशन है। यहाँ कई कैंप्स हैं जहाँ पर आप अपने मेहमानों के साथ लुत्फ उठा सकते हैं। अलेपी। आप अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए केरल का रुख भी कर सकते हैं। वैसे तो केरल में कई खूबसूरत प्लेस हैं, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अलेपी सबसे बेस्ट लोकेशन है। वैक वाटर लन्नूर इसे परफेक्ट वेडिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। पुष्कर। पुष्कर राजस्थान का छोटा सा प्राचीन शहर है। इस शहर में आप रॉयल वेडिंग का अनुभव ले सकते हैं। शहर में कई ऐतिहासिक हवेलियां हैं जो आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग को परफेक्ट और यादगार बना सकते हैं। HCN न्यूज की रिपोर्ट।